दूसरी बड़ी खबर का, इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर। पीएफआई मामले में जल्द होगा बड़ा खुलासा। पुलिस ने 48 घंटे के रिमांड पर ताहिर को लिया। पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में था ताहिर। अब तक 15,000 लोगों को दिया गया ट्रेनिंग। पीएफआई मामले में जल्द बड़ा खुलासा होगा। के रिमांड पर अब इसको ले लिया गया है और अब इससे जो पुलिस है, पटना पुलिस, वो पूछताछ करेगी। एटीएस की टीम, साथ ही साथ एनआईए की टीम भी पूछताछ करेगी, क्योंकि जो एसपी मनीष कुमार है उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी और कहा है कि इससे पहले भी जो संदिग्ध थे, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनको भी रिमांड पर लिया गया था। उस दौरान कई अहम खुलासे किए गए। उस जिसकी गिरफ्तारी हुई उस संदिग्ध व्यक्ति ने कई खुलासे किए, कई जानकारियां दी हैं और लगातार पटना पुलिस हो या फिर कई जो संस्थाएं जो जांच कर रही है लगातार, उनकी यह कोशिश है कि लगातार रिमांड लिया जाए और उनसे पूछताछ करके जो आगे का उनका प्लान था उस प्लान को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डीएक्टिवेट किया जाए। जो जो प्लानिंग उनकी थी, जो जो काम वो करने वाले थे, उन सब पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर के 48 घंटे के रिमांड पे इसको लिया गया है और अब इससे पटना पुलिस साथ ही साथ एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। और जो जानकारी हमें मिली है, एएसपी मनीष कुमार ने इस बात को बताया कि जो दूसरे देश हैं उससे भी ताल्लुक रख रहे थे और लगातार जो व्हाट्सएप है उसके जरिए कॉलिंग पे बातें होती थी, रेगुलर कॉल पे भी कई बार बातें बातचीत होती थी और गजवाए हिंद का जो मुख्य सरगना एक तरीके से पटना पुलिस इस व्यक्ति को बता रही है ताहिर को और कह रही है कि जो व्हाट्सएप कॉल निकाले गए उस बातचीत कई दूसरे देशों में इसकी हुई, साथ ही साथ व्हाट्सएप के जरिए भी चैट कई मिले हैं, चैटों को भी खंगाला जा रहा है। उसके जरिए आगे की कोशिश है कि जहां जहां यहां पे ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिन लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा किया था, कई जिलों से ये वीडियोज आए, तो उस चीजों को भी लगातार देखा जा रहा है और अब 48 घंटे के रिमांड पे इसे लिया गया है, पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में आगे इनसे ये कोशिश है कि और जो इनके ग्रुप के और लोग हैं और सदस्य हैं कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में और जानकारी ली जाएगी, क्योंकि करीब 26 जो अभियुक्त थे उनकी लिस्ट तैयार की गई थी और उसमें अभी तक मात्र 5 लोगों की ही गिरफ्तारी हो सकी है। तो अभी भी कई ऐसे जो इस पीएफआई संगठन से जुड़े हुए